What's up YouTube, this is Prashant and you are watching the Dreamer YouTube channel. तो भाई Dreamer, जी हाँ आप सब लोग Dreamer हो, आप सब लोग एक नया channel create करते हो YouTube पर, ये सोच के कि यार हमारे भी dream fulfill होंगे, यार हम भी एक दिन success होंगे. लेकिन एक चीज बीच में आ जाती है जो आपको हमेशा डिस्करेज करती है, और जब बात करें आप न्यू यूट्यूबर की तो उनको ज्यादा डिस्करेज करती है, क्योंकि जो पुराने लोग हो जाते हैं, मतलब काफी टाइम हो जाता है वीडियो डालते हुए, उनको ये चीज फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से. लेकिन जो नए यूट्यूबर होते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने हुए होते हैं, उनको बहुत फर्क पड़ता है. अब होता क्या है कि यार गालियां देते हैं बहुत सारे लोग, यू नो, हेट कमेंट्स, एब्यूजिव लैंग्वेज, माँ बहन की गालियां कमेंट में लिखना, ठीक है, ये सब करते हैं. और न्यू यूट्यूबर के तरह जैसे मैंने भी एक चैनल शुरू किया था, मुझे भी बहुत गालियां पड़ी थी, मुझे भी बहुत लोगों ने एब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया था, तो उसे रिएक्ट करना में ना कभी कभी मन करता है ना यार बिल्कुल छोड़ दो यार चैनल, मन ही नहीं करता. मतलब कि ऐसा फील होता है कि यार क्या यार, मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं और ये लोग गाली दे रहे हैं. अरे एटलीस्ट यार चलो, अगर तुम्हें नहीं एक वीडियो में गाली दे दी, चलो ठीक है, फिर तुम दूसरी वीडियो में आके फिर गाली दे रहे हो, है ना. और डिस्करेज होता है इंसान, मतलब मन नहीं करता वीडियो बनाने का. और जितने भी मेरे नए यूट्यूबर दोस्त हैं, सारे के सारे सब परेशान हैं इस चीज से कि यार क्या करें, क्या किया जाए इस सब चीज से. तो दोस्तों आपको पता है ना कि जिस पेड़ पे, आपको बचपन की बात बताता हूं, अगर आप में से कुछ लोग गांव से बिलोंग करते हो गए, या फिर आपके घर के आसपास कोई पेड़ होगा, खासकर आम का पेड़ होगा, तो आप क्या करते हो, आप पत्थर लेते हो, और अगर एक किसी पेड़ में आम उग रहे हैं तो पत्थर लेके आम तोड़ने की कोशिश करते हो, पत्थर मार मार के, ठीक है, कि आम टूट जाए, है ना. और क्या आप खुद सोचो कि जिस पेड़ पे आम नहीं है उस पेड़ पे पत्थर मारते हो आप, नहीं मारते ना, क्योंकि आम ही नहीं है तो क्या पत्थर मारना. वैसे ही लोग होते हैं, ठीक है, आपके पेड़ पे आम है तो तभी तो लोग पत्थर मार रहे हैं, मतलब आप सक्सेस होने वाले हो तभी तो लोग पत्थर मार रहे हैं भाई, और पत्थर पड़ते हैं. आपका काम है अपना बेस्ट करने के लिए, आप बेस्ट कर सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो, इट इज वेरी इजी, जस्ट थिंक डेट वे कि यार चलो भाई गाली दे रहे हैं, ठीक है कोई नहीं भाई, व्यू तो कर रहा है वीडियो को. स्टार्टिंग में एक इंसान को, एक यूट्यूबर को क्या चाहिए होता है, व्यूज. एंड इफ अ पर्सन इज सेइंग कि अरे यार वीडियो क्वालिटी क्या है, इंप्रूव्ड है. इफ अ पर्सन इज सेइंग सम एब्यूजिव लैंग्वेज, कुछ भी गाली गलौज कर रहा है, ठीक है, फॉर नो रीजन, जस्ट अवॉइड इट, है ना. एंड जस्ट थिंक पॉजिटिवली, अरे चल गाली दे रहा है फिर भी वीडियो तो देख ही रहा है ना. सो दिस इज द वे यू हैव टू अप्रोच इट, तभी आप आगे बढ़ोगे. नहीं तो आप YouTube शुरू करोगे, एक वीडियो डालोगे, फिर माइंड में आएगा दूसरा वीडियो डालना है, और फिर देखोगे यार डिसलाइक्स बहुत ज्यादा हैं, गालियां बहुत पड़ रही हैं, तो फिर वो दूसरा वीडियो डिले हो जाएगा, फिर वो डालोगे, फिर गालियां पड़ेगी. तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस हिट करेगा. क्यों अपने कॉन्फिडेंस को हिट करना दे रहे हो यार, और उन लोगों से फर्क क्या पड़ता है. हमेशा याद रखना, जिस पेड़ पे जो फल लगते हैं उसी पे पत्थर पड़ते हैं. आपके पेड़ पे फल है, मतलब आपका यूट्यूब कॉन्टेंट में जान है, तभी लोग पत्थर मार रहे हैं आपको, आपको तभी नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन घबराओ मत. अगर आपको मैं अपनी बात बताऊं तो आई स्टार्टेड प्रमोटिंग माई वीडियोज ऑन माई अदर चैनल, इस चैनल की वीडियो को अदर चैनल की वीडियो पे प्रमोट कर रहा था, जहां मैं एजुकेशनल स्टफ डालता था अबाउट नीट एंड ऑल. सो वो आप देख सकते हो, ठीक है, आप देखोगे इस वीडियो में, इस चैनल की वीडियोस पे आप जाके देखो, मोस्ट ऑफ द वीडियोस पे लाइक्स और डिसलाइक बराबर है, और किसी किसी वीडियो पे डिसलाइक्स लाइक्स से ज्यादा है, फॉर नो रीजन, कोई रीजन नहीं है. आप उस वीडियो को देखो, उस वीडियो में कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज नहीं किया है, कोई कुछ यूज नहीं किया है, कोई फालतू की चीज नहीं है, फिर भी डिसलाइक ज्यादा है ना. कमेंट्स नहीं किया लोगों ने, क्योंकि अपना जो है दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन डिसलाइक से ये बताना चाहते थे भाई हम तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे, तू नीट में ही फंसा रहे, है ना. लेकिन मुझे लगता था मैं अच्छा कर सकता हूं, इसलिए आई एम डूइंग इट, आई एम गिविंग इट बैक. जो मैंने जितना 1-1.5 साल में सीखा यूट्यूब से, वो मैं चाहता हूं आप सब लोगों को मिले. बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर्स होते हैं, हर कोई आपको बताएगा कि ये ऐसे करो वैसे करो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो मेन स्टेप होता है गाली से कैसे बचो, ठीक है ना. गाली से अपने दिमाग पे जो है ना असर मत पड़ने दो, क्योंकि होता है यार, ऑब्वियसली सबके साथ होता है, हर कोई ह्यूमन बीइंग है तो बुरा तो लगता ही है यार, जब हम लोग शुरुआत करते हैं
और क्या होता है सबसे बड़ी बात, और मुझे सबसे जो बुरा लगता है, गाली तो चलो ठीक है, सबसे ज्यादा बुरी चीज लगती है वो इग्नोरेंस। आपके साथ होगा, आप अभी वीडियो सेंड करो, यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब लोग सब्सक्राइब तो कर लेंगे लेकिन व्यू कोई नहीं करेगा, वीडियो कोई नहीं देखेगा, ये चीज याद रखना। तो अगर आपको ऐसा लगता है इनकेस कि भाई जो है ऐसा होता है, तो जस्ट अवॉइड इट, जस्ट डोंट गेट डिप्रेस्ड अबाउट इट, जस्ट डू वन थिंग, कीप मेकिंग वीडियोस। ठीक है, आते रहो यार, बनाते रहो। कब तक वो जो है हेटर्स रहेंगे, हेटर्स हमेशा उतने ही रह जाते हैं जो लाइक करते हैं वीडियो को, है ना, और आपके सपोर्टर बढ़ते चले जाते हैं, जो सब्सक्राइबर्स है ना वो आपके सपोर्टर्स है, उनमें से ही कुछ हेटर्स होते हैं जिन्हें मजा आता है, और ये सोच सकते हो चल भाई गाली दे रहा है लेकिन है तो मेरा ही सब्सक्राइबर ना, देखता तो मेरी ही वीडियो है ना। तो इस चीज से आप अपना दिमाग खोल सकते हो और बिंदास होकर वीडियो डाल सकते हो। तो आज के बाद अगर आप अपने वीडियो पे पहली बात कोई गाली देखते हो, डोंट रिप्लाई टू इट, आई विल से डोंट रिप्लाई टू इट, वैल्यू क्यों देना। मोस्ट ऑफ द लोग जो है गाली सिर्फ इसलिए देते हैं अटेंशन सीकिंग के लिए, ताकि आप लोग रिप्लाई करो या ताकि आप लोगों के मुंह से कुछ अच्छा निकले। अगर आपने उन गालियों का रिप्लाई दे दिया, ठीक है, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी बाकी लोगों की नजरों में, उसको तो कोई नहीं जानता, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, हो सकता है वो फेक आईडी बना के गाली दे रहा हो, आपकी वैल्यू कम होती है। आपका क्या होता है, आपने उसे रिप्लाई किया गाली देके, ठीक है, बहुत सारे सपोर्टर्स होंगे जो उसको कहेंगे अबे तू ऐसे कैसे कह रहा है ये वो, लेकिन कुछ सपोर्टर्स आपके फीमेल भी होंगे, ठीक है ना, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं हिट बैक होगा कि यार ये गाली दे रहा है और इससे उम्मीद नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान है, तो बेटर अवॉइड देम। और भाई सबसे सिंपल तरीका, अगर गालियां पड़ रही है तो समझ लो आपके जो पेड़ में फल हैं, मतलब आपका यूट्यूब कंटेंट में दम है, तभी तो गालियां पड़ रही है। तो बस वीडियो बनाते रहो, बिंदास रहो और मेरी वीडियोस देखते रहो, व्लॉग्स देखते रहो और सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ, अगर अभी भी हेट करते हो तो कमेंट या डिसलाइक कर दो, जो मन करे, है ना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। तो गाइज इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, एंड गाइज एज ऑलवेज, जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ एक साल से, हैव फन गाइज, so bye guys।